साजनिया, हम सब अल्लाह की मखलूक हैं। हमारे इख्तियार में सब कुछ नहीं होता। अब तुम खुद ही देख लो, मैं नबीमा हूं, देख नहीं सकता। तुम्हारे पर नहीं, तुम उड़ नहीं सकते। साजन यार, मैं मजीद आगे पढ़ना लिखना चाहता हूँ। सब कहते हैं ना, बिना हो पढ़ लिख कर क्या करोगे। ठीक है साजन, अभी मैं चलता हूँ। कल मुझे स्कूल में दाखिले के लिए जाना है। अभी मैं जाकर दाखिला टेस्ट की तैयारी करता हूँ। सवालात में से पांच के जवाब देना जरूरी है। सवाल नंबर एक, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? जवाब, पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है। देखो साजन, तुम मेरे भाई दोस्त हो, दुआ करना मुझे ब्लाइंड पीपल एजुकेशन स्कूल में दाखला मिल जाए। अगर दाखला मिल गया तो आज मेरी पहली क्लास होगी इंशाल्लाह। उन्हीं ने बता रहे थे कि आज किसी भी वक्त बहुत तूफानी बारिश होने का इम्कान है, लेकिन मुझे फिर भी जाना है। अल्लाह हाफिज।
भाई आप रोड की गलत साइड पर हैं, तो किधर जाना है आपने? भाई मैंने ब्लाइंड पीपल एजुकेशन स्कूल जाना है। आप रोड की उस तरफ जाएं, ये लोहे का पुल क्रॉस करें और दूसरी तरफ आपका स्कूल आएगा। किस्मत तू आजमाती जा, आखिर कब तक आजमाएगी? हर मुश्किल के बाद एक नए सुबह उजाला लाएगी। दिल तो चाहता है यूं छोड़ो सब कुछ वैसे ही, पर फिर नबीनों की दुनिया दूसरे पर बोझ वैसे ही चलाएगी। शाबाश शर्जील, अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें तो नहीं दी लेकिन जहानत कमाल की दी है। सर जी ये भी अल्लाह का करम और एहसान है, ऐसी जहानत नाम भी देता तो मैं क्या कर सकता था। क्लास में दाखिले का टेस्ट तुमने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। हमारा मुआशरा आप जैसे लोगों को बेकार क्यों समझ लेता है? मुआशरा ही नहीं, हमें तो कई दफा घर वाले भी बोझ समझ लेते हैं, इसलिए मैं पढ़ लिख कर घर और मुआशरे के लिए एक कारामद इंसान बनना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाओगे। एहसान, लो भाई शर्जील को इसकी क्लासरूम तक छोड़ाओ।
चल चल चल, चल।